तो राधे राधे, स्वागत है आप सभी का हमारे फूलों के सैर कन्नौज में। और अभी मैं अचार रख रही हूँ, तो मसाला मैंने पहले बना के रखा था, इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई। थोड़ा नमक मुझे कम लगा तो मैंने इसमें ऐड कर दिया, और मिर्च काफ़ी बड़ी बड़ी थी तो मैंने 2-3 पीस कर दिए हैं, क्योंकि एक पूरी मिर्च ले लो ना तो फेंक जाती है, बेकार हो जाती है, इसलिए मैंने इनको काट दिया है। और मैं यहाँ पे मसाले को मिला लेती हूँ। आज काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने खाना वगैरह, बच्चे आ चुके हैं, तो ये हमारा एक मिर्ची का तीखा तीखा अचार हो चुका है रेडी। और अपने साथ पकड़ वाला काम और यहाँ पे आपने कर रही सरताने, उसको तेल की बल्ली मिल गई, उसमें खेलने लगती है। तो यहाँ पे मैंने सीने बनाई थी, वो मिक्स कर पा रही है खाना बाद में खाने के। और यहाँ पे मैं मछली काट रही हूँ, तो अपनी भी काटने में लगी, जैसे भी काट पाई उसने भी काटी है, तो मैं बेल नहीं पा रही इसलिए काटने में लगी हुई हूँ, क्योंकि मेरे हाथ कट रहे बहुत ज़्यादा दर्द, तो मैंने कहा चलो काट देती हूँ। अब नहीं थे अभी काटी, जैसी काटनी है उसको ऐसे काट के साथ में लगी रहती है, और भी छोटे मोटे काम होते हैं वो कर देती है साथ में। तो बस क्योंकि वह हम लोग जाया करेंगे भागवत सुनने के लिए, तो सुबह नाश्ता नहीं बना पाएंगे, तो अपनी मुट्ठी वगैरह से चाय पी ली। मेरे पैरों ने तो ऐसे जवाब दे दिया, देख तो लंगड़ा लंगड़ा के चलो, बड़ा अजीब लगता है, मुझे लगता है बड़ा आपका मुझे अभी ऐसी लाइफ चल रही है, टबक तो मुझे चल रहा है। और अपने चूल्हा जलाने में लगी हुई है, लकड़ी रखनी है, पता पूरी लकड़ी एक ही बार में रखती हूँ, तो अब मैं सब्जी लेके आई हूँ, मैं उसी के बाद की सोचती हूँ, तो पहले चूल्हा जला लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। मोहब्बत तो सैतानी करने में लगी हुई है, और सैतानी सैतानी में काम भी बच्चे बहुत कर देते हैं, लगता नहीं है, तो यहाँ पर पढ़ाई रहती है। और मैं तो कुछ भी लेने के लिए नहीं जा पाती हूँ उठ उठ के, तो देने लेने का काम जो भी होता है वो भी कर देती है। तो यहाँ पे मछली सेकने में कढ़ाई मई अच्छे से हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे मछली सेक लेती हूँ। भैया ये नमकीन मार्केट से बार बार मंगाओ, ये अपने घर का नाश्ता है, मैं थोड़ा सा लिया उसमें नमक थोड़ा गया, और चूल्हे पे जल्दी काम हो जाता है। और मेरी वो दिए सुबह की पूजा, क्योंकि आधी भी पूजा नहीं करी, मेरी भी राई साफ करती है, और ये खाना भी मैंने मिला दिया, तो थोड़ा लेट मैं ये चूड़ियाँ कलर वाली हैं, तो मैं काफ़ी दिनों से रखती हूँ, तो वो मैं कर नहीं गया, क्योंकि आज संडे मेरा विषय हो रहा है लेट थोड़ा, तो मैंने गौर के ऊपर चूड़ियाँ रखती हैं, अब मैं बाद में कर भगवान जी सजे हुए बैठे हैं गर्म कपड़े पहन के, और कुछ मैंने तस्वीरें नीछे भी रखी हुई हैं, है पिए करवा चौथ बार मेरा कैलेंडर टका हुआ है फोटो। तो बस अब मैं चूड़ियाँ पहनूंगी, चूड़ियाँ पहनने के बाद फिर लगाऊंगी महावर, फिर से मैं आ गई फटाफट से किचन में। और अभी मैंने छोले बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, इसमें मैं डालूंगी 2-3 आलू कट करके डाल दिए मैंने, और जब छोले बॉयल हो जाएंगे तो इनमें थोड़े आलू को मैश कर दूंगी बस। मैदा भी लगा के रख देती हूँ, मैदा तो जितनी जल्दी लगा के रखो उतना ही ठीक रहता है, अच्छे बनते हैं। तो बस यही सब चल रहा है, मैदा लगा देती हूँ, साथ में मैं अपनी से बात भी करती जा रही हूँ, वो भी कूद कूद के पता नहीं करने में लगे हुए हैं, आज तो बहुत परेशान किया था इन लोगों ने, सट्टे वाले तो बहुत परेशान करते हैं, बच्चे घर में रहते हैं तो अपना
तो मैं छोले यहाँ पे आज भगोने में छोंक दे रही हूँ, इसमें चावल मैंने रख दूंगी, तो प्याज पीस लिया और अब मैं मठरी के साथ पीऊंगी चाय, क्योंकि मेरा काम काफी हो चुका है। मार्बल लगाया है मैंने, पता स्लिप पे मैं चढ़ नहीं पाती हूँ, जबरदस्ती कोई घर पे था नहीं तो फिर मुझे मजबूरी में वहाँ पे ये मैंने ली है, 4-5 लौंग ली हैं और 4-5 काली मिर्च। छोले में डाल दो ना तो थोड़ी मतलब इसका टेस्ट अच्छा आता है, और मेरे पूरे हाथ कलर वाले हो गए हैं। और मैंने यहाँ पे मसाले, हींग है, छोले मसाला, गरम मसाला, सब्जी मसाला और धनिया, सारा कुछ कटोरी में भिगो के रख दिया है मसाले, और मेरे छोले हो चुके हैं, बन चुके हैं और गर्मा गर्म छोले भटूरे हो चुके हैं रेडी। आप लोग भी आ जाइएगा खाने के लिए, और मेरे घर कोई और भी आया है खाने के लिए, आप देख लीजिए, उन्हीं के लिए मैंने तैयारी की है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगी, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली डेली मिलती रहे। और अंजलि छोले दे भटूरे कैसे दिखा रही है, कह रही इतना बड़ा बड़ा बनाया मैंने, बहुत अच्छे बने थे। और अब देखिए मेरा बौरा आ रहे हैं, गाना गाए दे भाई नहीं गाना गा, कोई सो गाओ, कोई सो गाना गाओ, गाओ सांबली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।